आज 2 नवंबर ही आई हैं भैया दोज करने के लिए, तो एक दिन पहले ही आ गई हैं। तो ये है निशा दीदी और ये है अलका दीदी। तो मैं तो प्यार, तो हमारे मेहमान की तबीयत ठीक नहीं है, तो दीदी जाएंगी एक और एक रुकेंगी, वो कल जाएंगे। हाँ दीदी कल जाओगे ना आप? तो कल जाएगी। हाँ तो दीदी थोड़ा गाजियाबाद साइड थोड़ा दूर है, तो इसलिए आज ही करना है। अच्छा मेरे लिए बहुत फायदा हो गया दीदी आ गई तो, क्योंकि दीदी से ना मैं बहुत कम मिल पाती, पिछले साल तो मैं मिल ही नहीं पाई थी और मुझे बहुत अजीब लगा था। एक गिफ्ट हैंपर और एक दीदी लाई मिठाई और ये देखिए गोले हैं। तो अब दीदी करेंगे, बच्चों का कर दो दीदी इतने। आप कर दो ना, कलावा नहीं है? कलावा दे दे भाई। जा एक दादा से कलावा लिया, जा जा फटाफट जा। कलावा कलावा लिया, कलावा आजा आजा पहले भाई। कायदे से जमीन पे बैठ के होनी चाहिए, यहाँ पर टारे पे चढ़ गया। कोई नहीं, उस पर बैठ के कोई बात नहीं। दीदी हमारे तो भाई नहीं करवाते थे, हम भी बैठ के करवाते। खुश रहो, भगवान तुम्हें बनाया। तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए थे दीदी। पंखा चला, ठीक हो जाएगा। उसमें आवाज आती है दीदी पंखे की बहुत तेज। ये आपने ये नहीं बताया कैसा सजा? बहुत सुंदर लग रहा है, हमने तो मैंने उसमें भी देखा था दिवाली में। दिवाली पे नहीं, उस पे गणपति जी पे। हां माने ये बहुत शैतान लड़का है, इसको सद्बुद्धि दे इसमें अच्छा बन जाए। यार अपना ये बड़ों की इज्जत करे अच्छे से, अपने भाई की खासकर। तो सुधर गया, दो बार दो बार दो बार कह रहा मैं तो सुधर गया, तीसरी बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुधरने के बाद। बेटा ये अच्छे अच्छे को सुधार देती है, मैं तो सोच रही दीदी आप लोगों के हाथ में दे दूं उसे। मेरे को दो ही बार लेंगी बस क्लास, तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ने की है। अरे देव चाहो तो दीदी एक घंटे की क्लास तो ले ही लो आज। एक घंटे की एक ही बार लूंगी बस, दोबारा लेने की जरूरत नहीं क्लास। स्कूल है क्या? हाँ ये मैडम है, दोनों ही टीचर है। और आप लोगों को एक बात तो बताया नहीं मैंने कि हमारी दीदी टीचर है। ये लो हाँ मैं बोली गया और पता ही ना तुम्हें कुछ ना पता अपनी बुआ के बारे में, क्या फायदा। इसमें डाल दे बेटा, फ्रिज में लगा दीदी, इसमें डाल दो। खाना और ये देखिए चावल बन गए हैं, इधर राजमा बन चुका है और इधर मटर पनीर की सब्जी तैयार है। और मेरे को रोटी बनानी, दीदी मना कर रही है कि मुझे चावल दे दो बस, क्योंकि दीदी को जाना है। एक दीदी जाएंगी, ये वाली दीदी जा रही है घर, इसलिए इनको खाना देते नहीं है। जाना तो है ही आपको घर, थोड़ा तसल्ली से खाना हमेशा। दीदी देखो मैं बड़ी बेटी जाएगी, छोटी भी जाएगी। कहाँ आए बच्चे? मम्मी निकालना तुम प्यार करते हो ना, बस इतना ही बहुत है। अरे तुम ऐसे मत करा, मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने देखो जो बहनों का सामने जो बस सामने है वो बस सामने है, और ये बात है कि जो बस सामने है जाना।
हमारे पास इतने देर से बैठता है। आप तो मैं तैयार होती रहना ही बात करती रहेगी। अच्छा भाई अभी जिया की है ना? नहीं कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ जिया जी को तो सुबह हॉस्पिटल चलाया, छोटे वाला बेटी नहीं, छोटे वाला पेट में दर्द हो गया तो इसलिए जाना पड़ेगा। अच्छा ये तो सही है, मेट्रो मेट्रो बढ़िया चलिए आ गए। फैन ऐसी अगली बार ऐसी पहले अगली बार यहाँ जाना भी छोड़ रहे हैं तुम्हें। हाँ यही यही ठीक है ठीक है। The next day बड़ा अच्छा लगा। ठीक है मैं मेरा पजामा निकाल लूं, पजामा नहीं पहन लूं। ब्लॉग कौन बनाएगा? वो बनाना तो है। ले बाबू ले ये बांध। ये बांध दो ठीक है। ये बांध। और मेरा लौंडा बांध। हैंग चल रहा है मम्मी का फोन है ला वो। ना मैं बांध कर रहा हूं भाई। छोड़ के हमारी कैप हो गई, अब कर देती है। अबे कितने समय बोल दे ना।
देखिए गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और दीदियाँ सब आ गई कर दिया। और देखिए अब आई है दीदी, तो दीदी ने मेरी किचन देखी है, तो दीदी कैसा लगा? बहुत मन खुश हो गया, बहुत छोटी सी किचन थी, बैठ के एक दोनों खड़े होके बात भी नहीं कर पाते थे किचन में। दीदी तो इतनी खुश हुई है, जितनी भी दीदी आ रही है ना सब खुश हो रही है मेरी किचन को देख के कि भाभी तुमने बहुत अच्छी किचन करा, अच्छा काम कर। मेरे से ज्यादा खुशी तो मेरी नंदे हो रही है कि भाई बहुत अच्छी किचन। हमारे भाई बड़े आ गए तो हमें खुशी नहीं होगी। मैं इतनी परेशान रहती थी किचन की वजह से, बीमार परेशान, हमें बहुत परेशान रहती थी, हीट चढ़ती थी। अब इतनी हो गई कि अब नंदो से बर्तन मंजवाऊंगी मैं खड़ा के, चलो बर्तन मांजेंगे कोई बात नहीं, तुम मंजवाने वाली हो। दीदी अभी परेशान होती तुम्हारे से भी खड़ा तो हुआ नहीं जाता, हम क्या करेंगे क्या करेंगे। मजाक वाली बात है तो हम मजाक कर, पर मेरी सारी नंदे बहुत खुश है मेरी किचन के वजह से, सब बहुत खुश है, सबको खुशी हुई और इनको खुशी हो रही है, हमें और खुशी हो रही है कि हमारी नंदे हम तो चाहते हैं इनका अपना खुद का एक अलग से मकान हो सकता। वो अभी आप लोगों के द्वार ऊपर वाले की कृपा हो जरूर होगी, तो जरूर होगा वो भी, जरूर होगा जरूर होगा। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं घर पे और भाभी अभी है नहीं, बड़ी भाभी गई हुई है तो भाभी आने वाली है, तो छोटी भाई और भाई और भाभी आ चुके हैं और हमने बना ली चाय, तो अब हम कर रहे हैं चाय नाश्ता। भाई हेलो कर दे, हेलो गाइस, हेलो गाइस। और ये देखिए छोटी भाभी, ये सब कहते हैं कि तुम्हारी भाभी नहीं आती व्लॉग में, अब देखो ये है मेरी छोटी भाभी, हेलो गाइस बोल दो, हेलो गाइस। तो अब करते हैं हम लोग चाय नाश्ता, इतने भाभी आ जाएगी और भाभी ने खाना बना दिया है, हमारा खाना बना के गई है वो, तो अभी भाई अभी अपने ससुराल जाएगा, भाई अभी तिलक विलक करवा के तो चाय नाश्ता करके खाना ना खा के भाई चला जाएगा अपने ससुराल, फिर बड़े वाले भाई आ जाएंगे, तो अभी आज हम यहाँ रुकेंगे तो कम जाएंगे कल। तो चलिए गए तो चाय नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे हम।
तो देखिएगा उधर जा दोनों। तो दीक्षा ने दिया इन दोनों भाइयों का गिफ्ट, ये देखिए सारा आइटम है ये बच्चों के। भाभी इधर दिखाओ, देखिए आज भाभी कितनी अच्छी लग रही, भाभी की साड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है। इधर देखो भाभी भाभी देखिए आती रोटी बनाने लगी है, और भाभी खाना बना के गई। भाभी देखिए क्या क्या खाना बनाया भाभी ने, एक मिनट करो भाभी जरा, ये देखिए बनाया, ये है मटर पनीर, हिलाना भाभी जरा इसे, ये देखो मटर पनीर, और ये है दाल मखनी, ये दाल मखनी बनाई है, और ये रहे चावल, और भाभी बना रही रोटी। हाँ तो अभी छोटा भाई जाएगा और भाभी जाएगी अपने घर जाएंगी भाभी। देखिए बड़ी बहन आ चुके, बहन हाय तो करते हैं, हेलो हाय हैप्पी भैया दो, अब सभी को हमारी तरफ से हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी भैया दोज, हैप्पी भैया दोज बोलो भाई, भाभी बोलो हैप्पी भैया दोज। मैं क्यों बोलूं, बोलो भैया थोड़ी है तुम्हारा भैया, तुम बोलो। नहीं नहीं तो हमारा भैया थोड़ी ना करते हैं, यहाँ तो भैया कर आए, यहाँ तो पब्लिक है, पब्लिक को कह रहे हैं हैप्पी भैया दोज, हैप्पी भैया दोज। हम अपने भाई को थोड़ी ना कह रहे हैं, तो हम सबकी फैमिली को बोल रहे हैं हैप्पी भैया दोज। ऐसे सही आ रही है ना रोशनी, वो ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ रही थी ना। आज देखिए मेरी बहना साड़ी पहन कर आई है, ये देखिए साड़ी मेरी बहन की, ये तू कुछ खा ले, तू वहीं जा खाएगी। अरे मेरी बहन अपने बेटे की शादी करने वाली है, जब मेरी बहन बेटे की शादी करेगी ना तो फुल ब्लॉग बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कुणाल की शादी का ब्लॉग। मेरे घर की बोल अच्छी है, आईफोन से वीडियो बना दे, शॉर्ट बना दे भाई।